बुलंद हौसलों से ही आसमान छुआ जा सकता है। हौसले बुलंद हों तो किसी भी चुनौती को पार पाया जा सकता है। ये साबित कर दिखाया है कश्मीर के 6 दिव्यांग युवाओं ने, जिन्होंने 2 हफ्ते की कठोर स्कीइंग ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय सेना के चिनार कोर की ओर से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इन युवाओं ने मुश्किल व चुनौतीपूर्ण हालात में 14 दिन की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया। टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मदत्त गोयल ने किया, जो स्वयं जंग में अपनी बाई टांग गंवा चुके थे। इस ट्रेनिंग में कश्मीर के गौहर अहमद गनई, उमर सलाम, अब्दुल रहमान मीर, रफीक मुसाइब रशीद और सईद नाजीर ने स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, स्नो प्लोइंग, मैन्यूवरिंग और ट्रेवर्सिंग की बेसिक ट्रेनिंग हासिल की। इस दौरान जयपुर की एनजीओ भगवान महावीर विकलांग साहित्य समिति की ओर से आर्टिफिशियल लिम्स व अन्य स्पेशल एसेसरीज भी बांटी गई। भारत में अभी तक दिव्यांगों में स्कीइंग इतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन कश्मीर के इन युवाओं ने अपने हौसलों से एक मजबूत संदेश दिया है। चिनार कोर को भी उम्मीद है कि अधिक से अधिक दिव्यांग युवा स्कीइंग के लिए आगे आएंगे और आने वाले समय में पैरालंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। Thank you.